देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। आई एम डॉक्टर तौसीफ, रेजिडेंट डॉक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, KGMU लखनऊ। COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान मैं खुद इससे इन्फेक्ट हुआ। मैं 21 डेज के आइसोलेशन में था, मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मेरा टेस्ट निगेटिव आया। 14 डेज के होम क्वारंटाइन के बाद आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैं यहाँ पे KGMU में प्लाज्मा डोनेशन के लिए आया हूँ। और मैं सभी उन लोगों से अपील करता हूँ जिनका टेस्ट निगेटिव आ चुका है, वो खुद आगे बढ़ें और प्लाज्मा डोनेशन में हेल्प करें। प्लाज्मा डोनेशन से हम ऐसे पेशेंट को बचा सकते हैं जो इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, जो काफ़ी सीरियस पेशेंट हैं, और ये एक इजी प्रोसीजर है, इसमें किसी भी तरह कोई रिस्क नहीं होता है। आज किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है, जब हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में कोरोना से संक्रमित दो मरीज यहाँ पर ठीक होने के बाद, पूर्ण स्वस्थ होने के उपरांत प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं। उनका प्लाज्मा कलेक्ट किया जा रहा है जिससे गंभीर COVID-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसमें मैं डॉक्टर तौसीफ हैदर खान को बधाई दूंगा जिनका कि अभी ब्लड लिया जा रहा है। हमारे यहाँ जो दूसरे पेशेंट श्री उमाशंकर पांडे जी, हमारे विश्वविद्यालय में उनका भी इलाज हुआ था, उनको भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इसमें हमने दो मरीजों को कराया और ये प्लाज्मा डोनेशन से जो प्लाज्मा हम इकट्ठा करते हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ यानी जो कोरोना से लड़ने की जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखा गया है कि कुछ मरीज़ों में जो बहुत सीरियस होते हैं उनमें इनको चढ़ाने से फ़ायदा मिलता है और उनमें लाभ मिलकर उनको जल्दी ठीक होते हुए देखा गया है। आज मिस्टर उमाशंकर पांडे जी आज जो लखीमपुर खीरी से आए, सौभाग्य से ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं कि ऐसे मरीज जो शायद ठीक ना हो पा रहे हैं, इतने सौभाग्य नहीं है उनका, उनको ये अपना प्लाज्मा दान देंगे और उनको जीवन दान देंगे।